ओ भाई, इतने टेंशन में क्यों है? अरे भैया, टेंशन में नहीं हूं तो क्या करूं। कॉलेज में सबके प्लेसमेंट हो रहे हैं, जो भी कोडिंग में अच्छे थे वो सबके प्लेसमेंट हो रहे हैं, मैं क्या करूं? साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे यार, टेंशन ना ले यार, डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो पा रहा है, टेस्टिंग में ट्राई कर ले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे टेस्टिंग में भी बहुत सारा कोडिंग करना नहीं होता है, सिंपल है सिंपल है। ईटीएल टेस्टिंग, बिग डेटा टेस्टिंग सीख ले और ये वीडियो पूरा देख ले, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये वीडियो पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये बढ़िया था गुरु। हेलो डिगीज, इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग डिटेल में क्या कहते हैं, आप कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम नॉन आईटी या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से या फिर टेक बैकग्राउंड से भी क्यों ना हो, वहां से हम कैसे स्विच कर सकते हैं ईटीएल टेस्टिंग में। उसका पूरा डिटेल रोड मैप दूंगा। आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपका करियर स्टार्ट नहीं हुआ, तभी भी आप ईटीएल टेस्टिंग में कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो, या फिर अगर किसी ऑलरेडी सेक्टर में हो और किसी फील्ड में हो, वहां से कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो, वो दोनों चीज पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ जो आईटी में है, आईटी में ऑलरेडी आईटी में वर्किंग है, आईटी किसी भी आईटी कंपनी में हो सकता है या फिर आईटी रिलेटेड रोल में काम कर रहे हो, किसी भी आईटी कंपनी में, एमएनसी में हो या फिर छोटी कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉन टेक में हो, नॉन आईटी में हो, जो भी नॉन आईटी, मतलब मैं कंसीडर करूंगा बीए किया हो, बीकॉम, बीसीए या कोई भी अदर डिग्री किया हो अपार्ट फ्रॉम नॉन आईटी या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो इवन इंजीनियरिंग में भी नॉन आईटी या नॉन सीएस बैकग्राउंड से किया हो, तो उन सबको मैं नॉन आईटी में कंसीडर करूंगा। एंड इवन दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद नॉन आईटी रिलेटेड रोल्स, लाइक सपोर्ट हो सकता है या फिर आईटी सपोर्ट या एचआर या फैसिलिटी या फिर कुछ भी ऐसे टाइप के जो भी हो सकते हैं रोल्स, उन रोल्स को मैं नॉन आईटी करके लूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को। एंड मेरी तरफ से बोला जाए तो डायरेक्टली बिग डेटा में घुसना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट थोड़ा डिफिकल्ट है। बट उससे पहले अगर आप ETL सीख लोगे ना, ETL डेटा वेयरहाउसिंग सीख लोगे, उसके बाद आप बिग डेटा में घुसेगे ना, बिग डेटा या फिर क्लाउड में भी हो सकता है, पूरे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ इस रोड मैप में बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे आप सीखोगे, क्या क्या सीखोगे, एंड ये डॉक्यूमेंट जो मैं डॉक्यूमेंट में समझा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी आप कैसे ले सकते हो, वो सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी इस डॉक्यूमेंट में आपको खाली टॉपिक्स दिख रहे होंगे, बट इसको मैं ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुका हूँ। इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से क्या क्या रिसोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, वो सब डिटेल में दिया है, किस लेवल तक पढ़ सकते हो, एंड किसी किसी में ऑलरेडी इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सब चीज़ें सिखाया है, क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, वो सब डिटेल में सिखाया है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, फिर अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेरे खुद के जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको चाहिए, तो वो भी बताऊँगा लास्ट में आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, आप हंसी मजाक करते हुए भी देख रहे हो तो चलेगा, आप एक लाइक बटा दो या फिर आपके प्लेलिस्ट में सेव कर लो, या कहीं और देख रहे हो तो प्लीज़ सेव कर लो आप पहले इस वीडियो को। एंड ध्यान से एक नोटबुक लेकर के बैठना, या नोटबुक ना भी लिखोगे, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, खाना खाते भी देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड ये डॉक्यूमेंट लेकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत जरूरी होता है जब आप नॉन आईटी से आ रहे होते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या कहते हैं, आपको आईटी के जार्गन्स पता नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि व्हाट इज अ टेबल, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, व्हाट इज अ डेटाबेस, व्हाट इज अ कॉलम, रो, मेटा डेटा क्या होता है, फ्लैट फाइल क्या होता है, बीआई टूल्स क्या क्या होते हैं, यूजर्स या फिर बिजनेस क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, द डिफरेंट रोल्स, बी ए क्या क्या होता है, स्क्रम मास्टर क्या होता है ना, प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। अगर आप बेसिकली किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो तो इतना सब तो पता होगा शायद रोल्स के बारे में, नहीं है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, उसके डिटेल्स में नोट्स भी मैंने बना रखे, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, RDBMS क्या हो सकता है, DBMS क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आप डिटेल में सीखोगे, थोड़ा डिटेल में जानना है आपको, इट इज़ गुड टू नो। ठीक है, इंटरव्यूज में कोई पूछ नहीं रहा है, बट अगर आपको पता ही नहीं है तो इंटरव्यू में अपीयर ही कैसे करोगे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये सीखना थोड़ा जरूरी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी नॉन आईटी से आ रहा है, ठीक है, जो आईटी में है दैट इज फाइन, बट आपको ये पता रहना चाहिए फ्लैट फाइल, मेटा डेटा, कॉलम, बीआई, डीबीएमएस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप नॉन आईटी से आ रहे हैं। अगर आईटी में भी है, ये सब चीज़ें देख लेना, आपको थोड़ा थरो हो तो अच्छा है।
ठीक है। मोस्टली अगर आप आईटी में ही है तो फ्रंट एंड बैक एंड तो पता ही होगा, बट कॉलम रोज फ्लैट फाइल्स ये सब चीज़ें पढ़ लेना और थोड़ा डिटेल में, अभी तो मैं रोड मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से बता दूंगा, जो भी थोड़ा डिटेल में चाहिए वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस पूरे नोट्स में आपको पूरा डिटेल में कैसे पढ़ना है, क्या से पढ़ना है, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। इवन आप फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहे हैं आपका कैरियर तो भी आपके लिए डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यूज, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ला जाते हो, बट बेसिक टर्मिनोलॉजी मोस्टली नॉन आईटी लोग के लिए है, आईटी लोग के लिए मैं तो बोलूँगा डायरेक्टली आप डेटा वेयरहाउसिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बट इतना डेप्थ मत चले जा रहा कि जारगन से सीख रहे बैठ के कोर्स ले लिया जारगन्स का इतनी ज़्यादा मतलब अंदर मत घुस जाना कि आप एक दो हफ्ते उधर ही मरे पड़े हो, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, बेसिकली डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, लर्न डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है, व्हाट इज डेटा वेयरहाउस, उसका हिस्ट्री, व्हाई डेटा वेयरहाउस केम इनटू पिक्चर, जब डेटाबेस था तो उस काफी था ना, फिर डेटा वेयरहाउस क्यों आया इसके बारे में जानना है आपको, ठीक है। लैंग्वेजेस कैसे, कौन कौन से लैंग्वेजेस चाहिए, जैसे आपको अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, उसी तरह इस डेटा वेयरहाउसिंग में काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या लैंग्वेजेस चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। नीड ऑफ डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्या है, ठीक है, इसका हिस्ट्री आपने जान लिया, इसका जरूरत क्या है। फिर OLTP OLAP क्या होता है, जैसे OLTP क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, OLAP क्या होता है, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, OLTP OLAP इसके बारे में डिफरेंस पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में, अगर आपको पता है इसका वर्किंग, ठीक है, यहां से वहां मतलब स्टार्ट से एंड तक, एंड टू एंड क्या काम होता है, OLAP में एंड टू एंड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगे इंटरव्यूज में। तो OLTP OLAP थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी वीडियो बना रखा है उसकी डिटेल्स, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने अगर वीडियो बना रखे मैं अपने वीडियो के लिंक्स भी दे दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस डॉक्यूमेंट को ही लेकर के आप अपना जो स्टडी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इंटरव्यू तक, कब तक मैं इंटरव्यू रेडी हो जाऊंगा, ये सब चीज़ आप अपना रोड मैप अच्छे से प्लान कर सकते हो। इवन मैं तो कहूँगा ये डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करा लो, जो उसके लिंक्स हैं जो भी हैं ये लिंक्स आप खोल खोल के पढ़ो, तो कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेना है, एक हफ्ते में कितना पढ़ूंगा मैं, दो हफ्ते में कितना पढ़ूंगा, ये सब डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स आप अच्छे से इसको प्रिंट लेकर के आपका खुद का डेट्स मेंशन करके ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया, OLTP OLAP, फिर उसके बाद व्हाट इज ETL क्या होता है, ETL क्या होता है, जब DWH आ गया तो ETL क्या होता है, ETL होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, E फॉर एक्सट्रैक्ट, E फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड फॉर लोड एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है, ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे नीड ऑफ डेटा वेयरहाउस पढ़ा, डेटा वेयरहाउस का हिस्ट्री पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्यों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा वेयरहाउस आ तो गया, ठीक है, डेटा वेयरहाउस आ तो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है, डेटा वेयरहाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पता है इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्या है वही नहीं पता है तो हम डेटा वेयरहाउस में काम कर रहे हैं थोड़ा कॉमेडी हो जाएगा, इंटरव्यू में चौपा हो जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस पता नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन, जैसे आप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता रहना चाहिए। फिर ETL आर्किटेक्चर, ठीक है, ETL का आर्किटेक्चर क्या, कहाँ से डेटा आ रहा है, किधर को जा रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये पूरा जो एंड टू एंड सॉल्यूशन है ना, यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ तक जाते हुए, तो ये सब उसका ETL का आर्किटेक्चर होता है। जैसे ETL आर्किटेक्चर आप पढ़ेंगे आगे चल के, फिर आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर ही पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है ETL आर्किटेक्चर के से, ठीक है, क्योंकि ETL आर्किटेक्चर नहीं पता फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं समझ में आएगा तो प्रोजेक्ट नहीं आता तो फिर इंटरव्यू में अपीयर कैसे करोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ETL आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, इफ यू लर्न ETL आर्किटेक्चर देन लेटर स्टेज में प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर ईजी रहेगा आपको, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, टाइप ऑफ डेटा मॉडल भी सीखना है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, बिल्डिंग सब दे दूंगा मैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, सेव कर लीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, फिर टाइप्स ऑफ स्कीमा, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा ही होता है, आप कम से कम अगर 10 साल एक्सपीरियंस है आप इतना बोलेंगे तो काफ़ी है, अगर इससे ज़्यादा स्कीमास पता है या फिर डेटा मॉडल्स आपको पता है आप बोल सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा कभी कभी इंटरव्यू में ओवर एक्टिंग मत कर देना, ठीक है ओवर एक्टिंग कर देना फिर फंसे जाओगे, ठीक है। तो स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, 10 ईयर एक्सपीरियंस तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही चलोगे, इसके बाद तो आप मैनेजर बन जाओगे तो इतना भी टेक्निकल चीज़ें पूछ लेंगे। फिर ETL प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है,
इसमें ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ ईटीएल का प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर क्या होता है, यहाँ पे आर्किटेक्चर समझाया ना, ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर यहीं पे मैंने समझा दिया हाई लेवल पे, बट डिटेल में अगर आप किसी टेक स्टैक को लेकर गए, टेक स्टैक को मतलब कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज भी आप काम कर रहे हैं, AWS में हो, Azure में हो, इसमें आगे चल के बताऊंगा मैं AWS Azure में क्या सीखना है, अगर आपको क्लाउड में जाना है, बिग डेटा में जाना है, जो ऑलरेडी ETL में काम कर चुके हैं, 5-10 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे क्लाउड में जा सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, ये सब डिटेल में बताया है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ठीक है। ठीक है, जैसे आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म कर लेते हैं और डेटा वेयरहाउस के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आप SQL सीखें। ठीक है, जो भी SQL नहीं जानते हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, बेसिक से बेसिक, अगर आप SQL जानते भी हैं तो बेसिक से बेसिक स्टार्ट करिए, SQL जानते हैं, SQL ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कम से कम व्हाट इज SQL, व्हाट इज डेटा टाइप, वेरिएबल, सिंटैक्स, ये चीज आप सीखना जरूरी है। और जो बेसिक SQL नहीं जानते हैं और जिनके सिंटैक्स अब स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करो, सिंटैक्स का एक पूरा डॉक्यूमेंट बना लो। ठीक है, मैं भी क्या करूंगा, मैंने भी जो अपने प्रिपरेशन के टाइम में SQL के सिंटैक्स था वो डॉक्यूमेंट लास्ट में दिखाता हूँ मैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कुछ चीज़ है, वो सब चीज़ मैं लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, लास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आई ओपनिंग चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, एकदम मज़ा ही आ जाएगा, मतलब मैंने आपका लर्निंग प्रोसेस ना ऐसे, मतलब बहुत आपको एफर्ट ही नहीं डालने की जरूरत है। ठीक है, एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, सीधा उस नोट्स को लेना है, अच्छे से पढ़ना है, बस इंटरव्यू रेडी होना है। ठीक है, इतना इजी कर दिया मैंने ऑलरेडी। तो क्या करते हैं, आप SQL सीखोगे, SQL सीखोगे उसमें डेटा टाइप, वेरिएबल, सिंटैक्स, सिंटैक्स का जो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा उसको तो प्रिंट करा के सीधे दीवार में चिपका लेना, हर दिन सुबह उठोगे पहले सिंटैक्स देखना आपको। ठीक है, वो सिंटैक्स देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और SQL का जो मेरा वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब में है, उसको देख करके आप पूरा SQL पूरा लिख सकते हो। ठीक है, DDL, DML, TCL, DCL, ये पूरा मैंने समझाया है, DML, TCL, DCL, ठीक है, ये सब चीज़ आपको सीखनी है। DML इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सब प्रैक्टिस करना है आपको। DML हो गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ट्रंकेट, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, फिर एज अ टेस्टर वी विल मोस्टली बी वर्किंग ऑन अ सेलेक्ट कमांड, जो भी सेलेक्ट स्टेट्स में जाना उसमें हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बट वी शुड बी गुड एट, या फिर हमारा नॉलेज जो है DDLs, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, इन सब का नॉलेज हमें अच्छा होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कम से कम इंटरव्यू जितना होना चाहिए। वैसे वो हमसे लिखाएंगे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट ही पूछेंगे, बट ये पता होना जरूरी है, इसके सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए। आप वहाँ इंटरव्यू में बोलेंगे मेरे को सिंटैक्स नहीं पता है, तो डजंट मेक अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, क्लॉजेस, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ये सब क्लॉजेस आपको सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, इसका सीक्वेंस कैसा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, ये चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियाँ करोगे, तभी आप ये सीखोगे। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, और कौन से वीडियो में सिखाया है, क्या सिखाया है, ये चीज़ ठीक से बताऊंगा, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें सिखाया है, इसके लिंक्स भी मैं दे दूंगा, पूरा लिंक्स दे रखा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में, कैसे डॉक्यूमेंट एक्सेस करना बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सब डिस्टिंक्ट क्लॉज, ये सब सीखना ही है, एंड एन और कंडीशन ये सीखना है, कैसे यूज़ करना है इन सबको, इसका मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको पूरा डिटेल में सीखना पड़ेगा किसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू प्ले अराउंड यूजिंग दिस कंडीशंस। ठीक है, फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये चार तरह के जो फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर फंक्शन हो सकता है जिसमें एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम हो सकता है, लेंथ हो सकता है, सब स्ट्रिंग हो सकता है, इन स्ट्रिंग हो सकता है, ये सब तरह तरह के कैरेक्टर फंक्शन आएंगे यहाँ पे, ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इंटरव्यू में पक्का पक्का कैरेक्टर फंक्शन पे एक या दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं पक्का से। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम, मैक्स, मिन, ये सब चीज़ होते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर एनालिटिकल फंक्शंस होता है जिसमें रैंक आ जाता है, नो डेंस रैंक आता है, फिर रो नंबर आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाते हैं एनालिटिकल फंक्शन में। लीड लैग भी आता है, लीड एंड लैग आता है, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इतना मैंने खुद यूज़ नहीं किया, मैं ऑलमोस्ट 10 प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, बट मैंने लीड लैग यूज़ किया नहीं है, ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। ठीक है, अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, नहीं तो एज अ इन्फॉर्मेशन, अगर आप 8 या फिर 10 साल के ईयर का एक्सपीरियंस है तो लीड लैग आपको पता रहने से अच्छा है, काफ़ी है। ठीक है, बट इट विल बी गुड इनफ, आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर डेट फंक्शन आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मतलब फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको काम जरूर करना पड़ेगा। एड मंथ हो सकता है, यू नो लास्ट डेट, जैसे कि लास्ट डे कौन सा उस मंथ में, लास्ट डे कौन सा डे,
ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में लास्ट डे कौन सा है, लास्ट डेट क्या है, वो सब चीज़ें इस तरह के फंक्शन आप, क्योंकि कि हर बार आप लिख नहीं सकते ना, अगर आपका मे मंथ है आपका कैलकुलेट करोगे 30 है या 31st डे है तो कैलकुलेट करके आप लिख नहीं सकते हर बार, तो उससे अच्छा डायरेक्ट अगर डेट फंक्शन यूज कर लेते हो ऑटोमेटिकली वो लास्ट डेट उठा लेगा, लास्ट डे ऑफ द ईयर उठा लेगा ऐसे, तो इसीलिए इट बिकम्स ईजियर, जस्ट आप ईयर चेंज करोगे तो आप जो भी टेस्टिंग करोगे तो ईजी रहता है वो डेट फंक्शंस यूज करना, ठीक है। सो दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेट फंक्शंस आर ओके ओके एंड प्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेट ऑपरेटर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मैं बोल रहा हूँ सेट ऑपरेटर्स, जिसमें यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, ये सब आता है। सेट ऑपरेटर्स इज लाइक, अगर आप बोलो ना ऐसे फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, ड्रिंक मतलब वाटर, समझ लो वाटर बोलता हूँ मैं, ठीक है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, तो अभी इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जैसे फूड, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कोई भी दिमागदार होगा बोलेगा ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऑक्सीजन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो सिमिलरली अगर आप ईटीएल टेस्टर देखोगे ना, हम सेट ऑपरेटर्स के बिना नहीं जी सकते हैं, वी डोंट हैव अ लाइफ विदाउट सेट ऑपरेटर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न सेट ऑपरेटर्स। सेट ऑपरेटर सीखना इज लाइक ऑक्सीजन नहीं, अगर सेट ऑपरेटर आप अगर इंटरव्यू बोल दोगे नहीं आता ना, तो फिर उसी टाइम रिजेक्शन है, आपको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, सीधी बात है, ठीक है। तो सेट ऑपरेटर इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स है, यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज है, इट इज गुड टू नो, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी आपको कंस्ट्रेंट लिखना आता हो, कंस्ट्रेंट बनाना आता हो, उसको रीनेम करना आता हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू नो इट्स गुड, इफ यू डोंट नो इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, इसके फंक्शनैलिटी क्या क्या है, उसको बनाना डिलीट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके फंक्शनैलिटी वाइज इसका यूज़ क्या होता है कंस्ट्रेंट्स का, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इस्तेमाल होता है डेटाबेस में, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का इस लेवल का नॉलेज एक टेस्टर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जॉइंट्स यार, इनर, क्रॉस, आउटर, सेल्फ जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, ये वो सब, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट, सेल्फ आउटर जॉइंट, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए अगर सेट ऑपरेटर्स ऑक्सीजन है ना, जॉइंट्स इज लाइक वाटर गाइस, जॉइंट्स इज लाइक वाटर, ठीक है। जॉइंट्स अगर आप बोल दो नहीं आता है, तो फिर उसी टाइम वो बोलेंगे आप चलिए बस हमें इंटरव्यू नहीं करना और, ठीक है। फिर उसके बाद सब क्वेरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जैसे भी आप जो भी काम जॉइंट्स यूज करके कर रहे हो ना, सब क्वेरीज से भी कर सकते हैं। इफ यू गेट मास्टर इनटू सब क्वेरीज ना, आपको जॉइंट्स पसंद नहीं आएगा, बट इफ यू गेट मास्टर इनटू जॉइंट्स ना, सब क्वेरीज आपको अच्छा नहीं लगा, बट इफ यू गेट मास्टर इन बोथ, आपको क्वेरीज लिखने में इतना मजा आएगा ना, मतलब मजा ही आ जाएगा, आप क्वेरीज लिखने में एकदम फोड़ दोगे, आप क्वेरीज लिखना इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेरीज लिखना एकदम फोड़ दोगे, सब क्वेरीज लिखना, जिसमें इनर क्वेरी आ सकता है, कोरिलेटेड क्वेरीज आ सकता है, ये सब चीज़ आएंगे सब क्वेरीज में, ठीक है। तो ये चीज़ सीख लेना, और कहाँ सीखना ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर व्यूज़ आप सीख सकते हो, फिर इंडेक्सिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको आता है सीखना चाहते हो तो सीख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट ऑपरेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं बोल सकता हूँ 5 स्टार दूंगा मैं सेट ऑपरेटर्स को, एंड 4 स्टार दूंगा मैं जॉइंट्स को। मैं 4 स्टार अभी से ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनको 5 स्टार देने हैं, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, पूरा डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहाँ कहाँ रिसोर्सेस है सब कुछ बताऊंगा, इवन अजोर, AWS कैसे क्लाउड में जाना है, जो ऑलरेडी ETL में है उनको कैसे क्लाउड में जाना है, वो सब चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से सुनना और हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट्स और SQL सब पढ़ने के बाद Unix is one of the most important topic जो हमें सीखना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ETL data warehouse big data tester होता है ना, so उनके लिए ना Unix is lungs, ठीक है। Unix is basically lungs, SQL is the heart, SQL is the heart of ETL tester and Unix the lungs, but आपके पास 2 या 3 साल के experience है ना, तो it's okay if you don't know Unix चलेगा, Unix के command सीखने वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, कहाँ कौन से resources से पढ़ सकते हो वो भी details में दे दूंगा मैंने, ठीक है। You don't have to be
अनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना यार। यूनिक्स पढ़ रहे हैं ऐसे 15-20 घंटे 25 घंटे पढ़ लिए, 2-3 हफ्ते पढ़ लिए, 1 महीना पढ़ लिए, नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 घंटे के अंदर ख़त्म कर देना है, ठीक है। बट यू शुड हैव गुड नॉलेज कैसे यहाँ से यहाँ डेटा, मतलब यहाँ से डेटा कॉपी करके वहाँ डाले, कॉपी कमांड, मूव कमांड, ये छोटे मोटे कमांड है, ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, कोई भी लिनक्स, उबुंटू इंस्टॉल कर लो यार, उबुंटू, फेडोरा है, ठीक है, काली है, कुछ भी, जो भी आपको फ्री में मिल जाए, जो भी फ्री में मिल जाए उसको इंस्टॉल कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं तो कई ऑलरेडी मिल जाते हैं, अगर आप क्या कहते हैं मैक में है, मैक में तो सीधा टर्मिनल में चलाएंगे तो मोस्ट ऑफ द कमांड्स टर्मिनल में चल जाएंगे, ठीक है। आप विंडोज़ में भी शेल अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादातर कमांड चल जाएंगे, कुछ कुछ कमांड नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी एक लिनक्स एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यूनिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स कमांड्स यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर आप 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है, इफ़ यू आर मोर देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, सो आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कैसे ये फाइल टेस्ट करोगे ये सब तो। बट अगर आप फिर लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आप यूनिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्लीज कमेंट इफ यू नीड ट्यूटोरियल, अगर आपको यूनिक्स का कुछ ट्यूटोरियल चाहिए, ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं बट और डिटेल में चाहिए कैसे क्या करना है, तो प्लीज #unix लिख देना, ठीक है, या फिर #linux लिख देना, आप जो लिखेंगे मैं वो कर दूंगा, ठीक है। #unix लिख के आपका रिक्वेस्ट डाल देना, #linux लिख के आपका रिक्वेस्ट डाल देना, बिकॉज आप ऐसे ही लिख देंगे तो मेरे को पता नहीं चलता क्या चीज़ बनाना है, बट #hashtag लिख के लगाना तो मेरे को पता चल जाएगा कि किस पे ट्यूटोरियल बनाना है, उसी हिसाब से मैं जो ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं बना दूंगा, ठीक है, जो ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं बना दूंगा ट्यूटोरियल पूरा, ठीक है। तो ये है यूनिक्स, इसके बाद विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको दूंगा गाइज, लास्ट तक वेट करना, टिल द टाइम लास्ट वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा ये, एंड आई हैव माई ओन खुद माई रिटन नोट्स, मैं पूरा रिटन नोट्स, मैं हैंड रिटन नोट्स था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डॉक्यूमेंट फाइल में विथ इमेजेस, ये वो डायग्राम में एग्जाम्पल देते हुए, वो भी कैसे आप एक्सेस कर सकते हो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंस यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेस्टर, ठीक है, टेस्टर के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि टेस्टिंग में भी बहुत स्कोप है, ठीक है, टेस्टिंग में भी बहुत स्कोप है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। बहुत कुछ ये सब जो भी आया ना टेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा तो, बट इंटरव्यू में चाहिए तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ होगा नहीं बट आपको जानना, ये सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, बिकॉज इन द कंपनीज जो भी होते हैं प्रोसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, तो वो सब चीज़ें का इन्फॉर्मेशन होगा तो इट इज़ गुड, ठीक है। सिक्वेंशियल मॉडल होता है, वाटरफॉल व्यू मॉडल, ऐसे रट मत लेना उसको, बस कॉन्सेप्चुअली समझ लेना होता क्या है, बिकॉज ये आपका स्कूल का वाइवा या कॉलेज का वाइवा नहीं है जो कि आप रट के चले जाओगे, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल होते क्या हैं, फिर अजाइल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल होता है, सिक्वेंशियल मॉडल होता है, आइटरेटिव मॉडल होता है, ये दो होते हैं। फिर उसमें अजाइल मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब थोड़ा पता लगा लेना, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्यों ऐसा यूज़ होता है। फिर अजाइल मॉडल के बारे में डिफरेंट, तो डिफरेंट फेजेस होते हैं अजाइल मॉडल में, वो पता होना चाहिए बहुत, ठीक है, डिफरेंट फेजेस इन द डिटेल, अजाइल मॉडल में क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। देर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप 5 साल से ऊपर है ना तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एक टीम लीड हो, आप एक लीडर जैसे बन के आएँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, ठीक है, तो इसलिए इट इज़ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न अबाउट डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रोल्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्ट ओनर हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, BA बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, फिर टेस्टर हो सकते हैं, फिर डेवलपर हो सकते हैं, फिर आर्किटेक्ट हो सकता है, तो इतने सारे रोल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट में, एक ही टीम में बोल रहा हूँ मैं, तो एक ही टीम में इतने सारे रोल होते हैं, तो डिफरेंट रोल्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता रहना चाहिए आपको डिटेल में, नहीं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत डिटेल पता होना चाहिए, बाकी सबके बारे में क्या करते हैं लोग, ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए, तो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर एक वीडियो चाहिए ना, प्लीज #अजाइल लिखना, प्लीज #अजाइल लिखना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, वीडियो बस बनाऊंगा नहीं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के आंसर किस तरह देने हैं वो भी मैं बताऊंगा यहाँ अजाइल। मिनिमम कम से कम मेरे को
10 लाइक्स चाहिए वीडियो में, एंड अजाइल कम से कम 5 अजाइल कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर फटाक फटाक से जल्दी जल्दी कर दोगे ना, 5 या 10 कमेंट आ गए मुझे, तो मैं अगले हफ्ते बना दूंगा अजाइल के ऊपर वीडियो, ठीक है। फिर स्क्रम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो स्क्रम होता है ये भी अपने आप में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए स्क्रम फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहते हैं आना चाहिए, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको आना चाहिए। फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब कैसे एक डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होकर के एक एंड प्रोडक्ट बनता है, स्टार्टिंग, ठीक है, डिजाइन फेज, डिजाइन भी नहीं मैं बोलूंगा रिक्वायरमेंट फेज, रिक्वायरमेंट फेज से स्टार्ट होकर के एक प्रोडक्ट बन के आता है, वो पूरा जो साइकिल होता है उसका जो फ्रेमवर्क है कैसे होता है वो मैं बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो हैशटैग स्क्रम करके एक वीडियो लिखिए, मेरे को जितना मालूम है और जितना इंटरव्यू में पूछा जाता है और जितना हमें आना चाहिए उतना मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है 10 लाइक्स और 5 कमेंट, जो भी 5 कमेंट जिस टॉपिक में पहले आएंगे पहले उसका बना देंगे, ठीक है। STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टेस्टर, भाई टेस्टर बनने वाले हो तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। द डिफरेंट फेजेस, क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं, ऐसे ETL टेस्टर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट वो आगे टॉपिक में बताऊंगा मैं क्या सीखना है उसमें, ठीक है। डिफरेंट ऑल द डिफरेंट फेजेस, सिंस नाउ यू हैव गिवन इंटरव्यू एज अ टेस्टर यू मस्ट बी वेरी गुड एट दिस इसमें, ठीक है। कॉमेंट STLC, अगर आपको STLC भी चाहिए तो प्लीज़ STLC कॉमेंट करो, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगेन सेम एक्सपेक्टेशन, कम से कम 5 कॉमेंट होने चाहिए, ठीक है। STLC एक इंसान ही 5 बार कर दो तो भी ठीक है, बना दूंगा यार, इतना अगर प्यार से करोगे तो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। रेफर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सो कुछ कुछ टेस्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना एंड उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैसे रेफर करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें पता होना चाहिए। कौन कौन से पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप ऐसे 5 साल से नीचे है ना तो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप 5 साल से ऊपर हैं, 5 भी नहीं मैं बोलूंगा 3 साल से ऊपर है ना, तो इसके ऊपर डिटेल पूछा जाएगा। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, टेस्ट समरी क्या होता है। चलो BRD मैंने ऐसे बताया ही है, तो BRD का फुल फॉर्म कमेंट्स में बता ही दो, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गया है, तो BRD डॉक्यूमेंट क्या होता है। चलो BRD डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा, BRD अपने आप में डी तो डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। चलो मेरे को फुल फॉर्म बताना जरूर, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी इन सब डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, इसके ऊपर इसका एक एग्जांपल दिखाओ होते क्या हैं, इसके अंदर क्या होते, क्या यूज़ होता है, ये सब भी अगर आप चाहते हो तो #doc लिख देना, #doc लिख देना, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ लेना #doc। अगेन एक्सपेक्टेशन 5 कॉमेंट्स मिनिमम, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट लाइफ साइकिल, तो ये भी बहुत पूछे जाते हैं हर एक ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाएगा, ठीक है। DLC क्या होता है, DLC नहीं होता, डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, या बग लाइफ साइकिल ऐसे बोल सकते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकते हैं हर एक इंटरव्यू में, बट मोस्टली ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है पूछा ही जाएगा। अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो DLC #DLC टाइप कर देना, मिनिमम 5 कमेंट, तो मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये सब होता क्या है, इसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। फिर डिफरेंट रोल्स इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, डिफरेंट रोल्स इन अ प्रोजेक्ट, सो क्या क्या डिफरेंट रोल होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, प्रोजेक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। इन डिफरेंट रोल्स के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। यू आर गोइंग टू वर्क एज अ टेस्टर, ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट दूसरे लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रोजेक्ट में क्या है, किस बात के पैसे ले रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना #roles लिख के, ठीक है। मिनिमम 5 कॉमेंट होंगे तो पक्का मैं वीडियो बना दूंगा, अगले हफ्ते ही बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, तो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ इट, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटरी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब चीज़ें क्या क्या लेवल होती हैं इसकी, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कहाँ तक जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें
आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो वैसे कभी कभी पूछ सकते हैं, उस पूछने के चक्कर में आप भूल ना जाएं, तो इसीलिए उससे अच्छा पढ़ लो ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके ऊपर भी चाहिए तो हैशटैग लेवल ऑफ टेस्टिंग लिख देना, ठीक है, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग लिख देना, ठीक है, यही चीज़ लिख देना, हैशटैग लेवल्स ऑफ टेस्टिंग लिख देना, मैं पक्का वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोग, मैंने इतना डिटेल में वीडियो देखे नहीं है, बट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आपको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। फिर टेस्ट केस टेम्पलेट, ये ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी टेस्ट केस टेम्पलेट के ऊपर, अगर फिर से डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताना। टेस्ट केस टेम्पलेट, टेस्ट केस, क्योंकि टेस्ट केस आप लिख रहे हो बट उसका एक टेम्पलेट होता है, और हर एक कंपनी कोई ना कोई टेम्पलेट फॉलो करती है, बट यूजली ओवरऑल चीज़ें डाली जाती हैं वो टेस्ट केस टेम्पलेट, मतलब टेस्ट केस में जो टेम्पलेट होती हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, किसी किसी जगह में थोड़ा डिटेलिंग हो जाती है बट मोस्टली इट इज़ द सेम, ठीक है। टेस्ट केस टेम्पलेट, इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को टेस्ट केस टेम्पलेट बना कॉमेंट कर देना, ठीक है, हैशटैग टेस्ट केस टेम्पलेट, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर ये सब भी टॉपिक आ सकते हैं, ज़्यादा देखो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों करना है, इसको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, अगर आप कम से कम टीम लीड के लेवल पे 5 या 10 साल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, तो पक्का ये पूछा ही जाएगा यार। मैंने जितना देखा है मेरे को कम से कम 70% ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा गया, ठीक है। टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उन डॉक्यूमेंट्स में एक पार्ट होता है, या फिर किसी किसी कंपनी में एक सेपरेट से टेस्ट स्ट्रैटेजी करके मीटिंग हो सकती है, टेस्ट स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसमें तरह तरह के टेस्टिंग होते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू, डिसीजन मेकिंग, कॉस्मेटिक टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, और भी बहुत तरह के होते हैं, जो भी है डिटेल्स वो मैं बता दूंगा। एंड ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मैंने जो लिंक्स है, रिसोर्सेस है, कहाँ से पढ़ना, ये सब मैंने डाल दीजिए। लास्ट तक वेट करो, वीडियो के लास्ट में ये डॉक्यूमेंट कैसे आप अवेल कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। और मेरे खुद के हैंड रिटन जो नोट्स हैं, उस नोट्स को भी आप कैसे ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमने टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स तो सीख लिया है, बट ईटीएल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ईटीएल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर सबसे पहला स्टार्ट होता है व्हाट इज ईटीएल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ईटीएल एक्सट्रैक्ट कहाँ से, डेवी से हो सकता है, फ्लैट फाइल हो सकता है, कई फाइल हो सकता है, एक्सेल, फार के, एवरो, सब फाइल के बारे में बहुत सारे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किए हैं, वीडियोज बनाई हैं, चेक कर लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव फाइल्स होते हैं, उस फाइल को कैसे रीड करना है, ये सभी बताया मैंने, ठीक है। व्हाट इज ईटीएल, ETL क्या होता है, इसके बारे में पता रहना चाहिए आपको, ये सब ट्रांसफॉर्म लोड, ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये क्या क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर क्या होता है, डेटा कंप्लीटनेस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्वालिटी, इनिशियल लोड, फुल लोड, फर्स्ट लोड, इंक्रीमेंटल लोड, प्रेजेंटेशन लेयर, जॉब डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ को कैसे टेस्ट करना है, इसका स्ट्रैटेजी बनता है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होते हैं, कुछ मैंने अपने वीडियोज़ में भी डिस्कस कर रखे हैं, बट इस डॉक्यूमेंट में मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा। ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो लास्ट तक वीडियो में देखना, ठीक है, ठीक है। लर्न वन ऑफ द ईटीएल टेस्टिंग टूल, ठीक है। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, यहाँ पे क्यूए टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से पता चला आप यहाँ टैलेंट पढ़ने लग गए, इन्फॉर्मेटिका पढ़ने लग गए, और वहां पर घुस गए डेवलपर की तरह पढ़ रहे हो, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, और वो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो भी ETL टूल है, कोई भी ETL टूल सीख लो, इन्फॉर्मेटिका, टैलेंट, SSI, SIBM, डेटा स्टेज, एनी अदर टूल, जो भी ETL टूल है, कोई भी एक ETL टूल फ्रॉम टेस्टिंग पर्सपेक्टिव ही सीखना, फ्रॉम QA पर्सपेक्टिव ही सीखना, जॉब कैसे रन करना है, जॉब कैसे एग्जीक्यूट करना है, और जॉब सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसमें लॉग्स कैसे देखना है, बस इतना ही, सिंपल चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कमेंट करके बताना यार, कौन सा ETL टूल में आप काम कर चुके हो, कौन सा ETL सीखने का प्लान कर रहे हो, लिखना ETL टूल, ठीक है, ETL लिख करके, हैशटैग ETL लिख करके टूल के नाम बताना, ठीक है। देखते हैं कौन क्या क्या टूल में काम कर रहा है, यहाँ पे जो है वो भी है तो भी बता देना, और इससे कुछ अलग है तो बताना, तो शायद कुछ चीज़ मेरे लिए भी नहीं हो, ठीक है। फिर STM, सोर्स टारगेट मैपिंग डॉक्यूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप एक ETL टेस्टर, बिग डेटा टेस्टर की तरह डरा रहे हो, ETL टेस्टर या बिग डेटा टेस्टर की जैसे अगर आप अपीयर कर रहे हो इंटरव्यूज में, तो यहाँ पे STM डॉक्यूमेंट मतलब इट्स लाइक फादर यार, ऐसा, ठीक है। मतलब आपको रेफर करने के लिए STM डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। STM डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, STM डॉक्यूमेंट डिटेल में क्या होता है, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को लिख देना,
#STM #STM लिखना, फिर उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। कम से कम सेम मिनिमम 5 कमेंट्स चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है, मिनिमम 5 कमेंट्स चाहिए। अब फिर यहाँ पे आ जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट, ठीक है, डेटा क्लीनिंग, डेटा मर्जिंग, डेटा स्क्रबिंग, डेटा एग्रीगेशन, ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उसको भी, उन सब चीज़ों को भी टेस्ट करना, कैसे करना है, वो सब होता क्या है, पहली बात तो आपको पता रहना चाहिए होता क्या है, उसके बाद उसको टेस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी शायद मैंने आगे अप्रोच किया है, बट उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एग्रीगेशन, एक्सप्रेशन, फिल्टर, ज्वाइनर, राउटर, सीक्वेंस, सॉर्टर, लुकअप, इतने सारे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मोस्टली आप ये ऊपर के 4-5 पढ़ लेंगे ना तो इट इज़ गुड इनफ फॉर यू। अगर आप कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस है ना, तो 5 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम 5 या 6 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप 3 साल के हैं तो ये 3-4 आपको पता है तो हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस है, इतना तो है कि कम से कम 15-20 टेबल पे तो काम किए ही होंगे, ठीक है। जब अगर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 टेबल्स पे काम किया ही होगा, कम से कम 5 ETL जॉब्स में काम किया ही होगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, ऐसा होता है, ठीक है। फिर चैलेंजेस इन डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग, चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, क्या कहते हैं, अभी तक भी अगर 8-10 साल एक्सपीरियंस भी बोलोगे ना तो भी उनको पता चलता है चैलेंज क्या था, 3 साल के एक्सपीरियंस में चैलेंजेस क्या था, मतलब वो इंटरव्यूअर का एक अलग ही प्यार है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आई कैन से दिस इज लाइक 7 स्टार भाई, 7 स्टार मैं बोलूँ, ठीक है। कम से कम 90% ऑफ द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू अच्छा जा रहा है तो ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है ये क्वेश्चन के बिना आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा, कभी कभी मन करता है बोल दे इंटरव्यूअर अगर पूछता नहीं बोलते भाई पूछो ये क्वेश्चन पूछो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, ये क्वेश्चन पूछो, समझ करता चलो कोई नहीं, ठीक है। और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फाइल कंपैरिजन टेस्टिंग अप्रोच। अगर एक फाइल है, समझ लो एक CSV फाइल है और डेटाबेस है, और Oracle डेटाबेस है, ठीक है, Oracle डेटाबेस है, CSV और Oracle कंपेयर कैसे करोगे, तो इसका जो अप्रोच होता है ना, देयर कैन बी मेनी अप्रोच। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अराउंड 60% ऑफ द इंटरव्यू लव दिस क्वेश्चन, कम से कम 60% लोग को पसंद है, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको पसंद है ये क्वेश्चन। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो मेरे को लिखना, फाइल कंपैरिजन, ठीक है, फाइल कंपैरिजन करके हैशटैग करके लिख देना कमेंट्स में, कम से कम 5 कमेंट चाहिए, जिसका पैसा जो टॉपिक का पहला 5 कमेंट आएगा वो टॉपिक मैं सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है भाई आप लोग से। अभी रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, कम हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो आ रहा है ना, तो सिमिलरली अगले हफ्ते भी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 कमेंट आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ये भी यार मतलब इंटरव्यूअर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, SCD, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बट अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए और प्रैक्टिकली कैसे होता है तो ये #SCD करके लिख देना, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो पक्का बना दूंगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी जो वीडियो बना रखे हैं और भी कहीं किसी सोर्सेज से मिलता है मुझे, मैं पक्का इस डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा। इस डॉक्यूमेंट कैसे लेना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है, बहुत ईजी स्टेप है, मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। फिर लोडिंग क्या होता है, मतलब अभी ETL लिखा ना, ETL में L है ना, ये L, इस L को बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। इनिशियल लोड होता है, फुल लोड होता है, इंक्रीमेंटल लोड होता है, ये सब क्या है, इसको टेस्टिंग कैसे करना है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यूअर कैसे भी पूछ सकता है, इनिशियल लोड कैसे टेस्टिंग करोगे, डेल्टा लोड कैसे टेस्टिंग करोगे, डेल्टा लोड में क्या अलग होता है, सरोगेट क्या होता है, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर जॉब डिपेंडेंसी टेस्टिंग, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ गुड टू नो। कम से कम अगर जो 5 साल भी नहीं बोलूंगा, 7 ईयर्स के आसपास जो एक्सपीरियंस है ना, वो लोग को ये आना चाहिए जॉब डिपेंडेंसी टेस्टिंग। तो दो तरह के जॉब होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल जॉब, एक होता है पैरेलल जॉब, ठीक है, एक होता है पैरेलल जॉब, एक होता है सीक्वेंशियल जॉब। तो इन दोनों की टेस्टिंग कैसे है, क्योंकि दोनों का अप्रोच डिफरेंट होता है, ठीक है, सीक्वेंस का जॉब और पैरेलल सीक्वेंस जॉब का और पैरेलल जॉब का, दोनों का अप्रोच इज टोटली डिफरेंट, तो इसीलिए जॉब डिपेंडेंसी टेस्टिंग भी होती है,
ठीक है। ETL में तो जॉब डिपेंडेंसी टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बिग डेटा में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट यूजली जॉब डिपेंडेंसी टेस्टिंग अगर आपको पता है तो बहुत वेरी गुड होता है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप, तो उसी में एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े उसको सेग्रीगेट करना होता है एक्टिव में और पैसिव में, इसलिए दोनों अलग अलग, एक्टिव कुछ हो सकते हैं कुछ पैसिव हो सकते हैं, क्या होता है क्यों होता है, इट इज़ अ थियोरेटिकल टॉपिक, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम ETL परस्पेक्टिव, ठीक है। मैंने पहले बोला था टेस्टिंग कॉन्सेप्ट में भी डिफरेंट लाइफ साइकिल होना चाहिए, एंड ETL डेटा वेयरहाउस के भी पर्सपेक्टिव से आपको डिफरेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। तो अगर आपको जानना है और सेपरेट वीडियो चाहिए तो DCL करके, सॉरी DCL नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, DLC डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। DLC करके हैशटैग टाइप कर देना, मिनिमम 5 कमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अभी इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है मिनिमम 50 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। 50 लाइक्स होगा तो मैं पक्का इससे भी डिटेल में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। कैसे आप क्लाउड में, कैसे आप मैनुअली ETL टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हो, उसके ऊपर भी रोड मैप लाऊंगा। अगर 50 लाइक्स अचीव होता है तो मैं मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन में कैसे जाना है, ETL ऑटोमेशन की बात करूँ, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि आपको अलग ही कुछ सीखना पड़ेगा, मैनुअल से ETL ऑटोमेशन कैसे करना है वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ETL टेस्टिंग के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मैं कवर कर चुका हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम बिग डेटा की तरफ जाते हैं, बट बिग डेटा बहुत बड़ा है यार, मतलब उसमें टॉपिक्स अभी मैं बताऊंगा रोड मैप में, बहुत छोटे टॉपिक्स लगेंगे बट बहुत डिटेल में सीखना पड़ता है, ठीक है। एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी कंपनी यूज़ कर रही है आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स कौन कौन सी कंपनी, बस बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, ऐसे बैंगलोर में ही कौन कौन सी कंपनी है जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उसके बारे में देख लो, इतना सारे कंपनीज, आप जिस भी कंपनी बोलो वो कंपनी है यहाँ बिग डेटा टेक्नोलॉजी सीख ही रहे हैं, मतलब बिग डेटा टेक्नोलॉजी में काम हो ही रहा है उनका, ज्यादातर कंपनी जो भी है ना सब बिग डेटा टेक्नोलॉजी में काम कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख लो, स्क्रॉल करता हूं मैं, ये ऑब्वियसली मैंने गूगल से उठाया है, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट हर कंपनी है यार, इतनी सारी कंपनियां आप ढूंढ लो, जो भी आपकी खुद की कंपनी भी होगी यहाँ पे आप किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो उसकी वो होंगी पक्का, ठीक है। इनमें से कोई भी कंपनी यहाँ आप देख रहे हो, आप काम कर चुके हो उस प्रोजेक्ट में, तो प्लीज कमेंट में बताना कौन सी कंपनी का नाम है, ठीक है। कौन सी कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम जिसमें भी, जिस प्रोजेक्ट में, चाहे वो क्लाइंट हो सकता है आपका या फिर आप इनमें से किसी कंपनी में काम करते हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना। इसको ऐसा करके कॉपी कर देना, TCS में काम करते हो TCS कर देना, टेक महिंद्रा में काम करते हो, या किसी भी अगर आपके कोई क्लाइंट है जो यहाँ पे नहीं है वो तो कमेंट कर ही देना पक्का से यार, पता भी चले यहाँ से भी अलग है, और जो इनमें से कोई है वो भी कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन सी कंपनी में काम कर चुके हो, और उसके आगे लिख भी देना कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी है या फिर कौन सा ETL टेक्नोलॉजी है, जो भी है वो चीज़ लिख देना एक बार, ठीक है। आप LinkedIn में काम कर रहे हो तो LinkedIn लिख के वहाँ पे लिख देना कौन सा बिग डेटा टेक्नोलॉजी, Hadoop है, Hive है, HBase है, या क्या है, कुछ भी है, ठीक है। अगर क्लाउड है तो क्लाउड भी लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज मिलेगा हमको भी, और दूसरे लोग जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपका एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज तभी आप कमेंट करेंगे कम से कम दूसरों को पता भी चलेगा, एंड क्या कहते हैं वीडियो भी थोड़ा यू नो दूसरों को भी दिखेगा कि हाँ भाई कमेंट कर रहे हैं, तो दूसरों को भी दिखेगा, तो दूसरों को दिखेगा वो लोग भी सीखेंगे, ठीक है। कम से कम अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही दो, अपने भाई के लिए यार इतना मेहनत से वीडियो बना रहा है इतना तो कर ही सकते हो यार कल। चलो कमेंट्स करके बताना इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो या किसी कंपनी में आप काम कर चुके हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। बिग डेटा इज़ वेरी वास्ट गाइस, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा इसमें दूँ, और बिग डेटा वैसे इतना क्या कहते हैं पढ़ने के लिए रोड मैप के हिसाब से इतना सारा कुछ है नहीं, बट आपको ETL तो आना चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज़ Hadoop, ये सब आइकॉन्स मैंने लगा के मस्त सजा रखा है, और ये डॉक्यूमेंट्स में कहाँ से पढ़ सकते हो क्या पढ़ सकते हो ये सब चीज़ें भी मेंशन की है मैंने, ठीक है। ये सब चीज़ें मेंशन की हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को कैसे चाहिए लास्ट तक वेट करना, वीडियो के लास्ट में पक्का बताऊँगा ये डॉक्यूमेंट आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। एंड इस डॉक्यूमेंट के साथ मैंने पूरे लिंक्स दे रखे हैं, यूट्यूब के लिंक्स दे रखे हैं, फ्री रिसोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, आप फ्री में पूरा चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है।
और डिटेल गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ टॉपमेट में आप सेशन भी शेड्यूल कर सकते हो एंड डिटेल में हम बात कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज हडूप, हडूप है क्या, ठीक है, हडूप का आर्किटेक्चर क्या है, हडूप आया क्यों, ये सब चीज़ें, हडूप आया क्यों, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। हडूप आर्किटेक्चर है क्या, हडूप क्यों आया, क्यों आया, ठीक है। फिर व्हाट इज मैप रिड्यूस, हडूप जब आएगा ना, हडूप को मैप रिड्यूस के बिना बात हो ही नहीं सकता है। हडूप क्यों आया, मैप रिड्यूस क्यों आया, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। जब हडूप की बात हो ही रही है तो HDFS कैसे पीछे हो सकता है, HDFS इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये क्या है, क्यों है, ऐसा बिग डेटा में क्यों होता है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। हाउ हडूप वर्क्स, जैसे आप हडूप आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, हाउ हडूप वर्क्स, ये पूरा डिटेल आपको पता चलेगा, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हडूप, किसी किसी सिनेरियो में आप ऐसे बोलोगे कि तो फिर तो डेटाबेस खत्म हो जाने चाहिए, है ना, डेटा वेयरहाउस खत्म होना चाहिए अगर बिग डेटा आ गया, डेटा वेयरहाउस खत्म हो जाए, नहीं भाई, क्योंकि कि बिग डेटा का अलग रीजन है टू एग्जिस्ट, बिग डेटा केम फॉर अ रीजन, बिग डेटा टेक्नोलॉजी किसी और रीजन के लिए आया था, डेटा वेयरहाउस किसी और रीजन के लिए आया था, तो बिकॉज ऑफ योर डिमांड, बिकॉज ऑफ योर रिक्वायरमेंट आप बिग डेटा या डेटा वेयरहाउसिंग चूज करते हो, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, तो इसलिए दोनों अलग चीज के लिए आया है, तो इसलिए डेटा वेयर हाउस भी रहेगा, बिग डेटा भी रहेगा, ठीक है। डेटा वेयर हाउस थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ जाता है, नो स्पीड द वे इट कम्स, वेरासिटी ऑफ डेटा, वेलोसिटी ऑफ डेटा, ये सब चेंज होता है, इसीलिए बिग डेटा बढ़ते जाएगा। मैं आगे क्लाउड के बारे में बात करूंगा, उसको भी रोड मैप दूंगा, क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है, ठीक है। और हडूप इकोसिस्टम, हडूप इकोसिस्टम क्या है, क्यों है, ठीक है, अपाचे हाइव, अपाचे पिग, अपाचे एचबेस, अपाचे महूट, ये सब चीज़ों में से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब सीखना है, ठीक है, इसमें से दो भी सीख लोगे ना तो काफ़ी है, ठीक है, आपको ये सब सीखना कोई जरूरी नहीं है, बट आप दो भी सीख लोगे, बट मैं वैसे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट में आपको पक्का बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक किस किस तरह से किस रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, ये पूरा लिंक्स मैं दूंगा यहाँ पे, बट इनमें से दो होने से काफ़ी है। एंड मेरा रिकमेंडेशन है, पहले आप अगर आप डेटा वेयरहाउस में काम कर रहे हो, कम से कम 3 प्रोजेक्ट कर चुके हो डेटा वेयरहाउस में, ई या ETL का, ETL का या डेटा वेयरहाउस का, अगर आप 3 प्रोजेक्ट कर चुके हो, देन आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ बिग डेटा सीखो एंड प्लीज़ मूव टू बिग डेटा। अगर बिग डेटा में मूव नहीं हो सकते, कम से कम ETL ऑटोमेशन सीख लो, ठीक है, ETL ऑटोमेशन सीख लो, मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इनमें से आप कुछ भी सीखते हो, कम से कम दो तो सीख ही लेना। फिर उसके बाद HDFS सर्विसेज क्या होते हैं, आर्किटेक्चर क्या हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, ये 5 है, ठीक है, द 5 V's, वी कॉल इट एज 5 V's, ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिसाइड होता है कि वेदर यू वॉन्ट टू चूज बिग डेटा और नॉट, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है कई वीडियोस में, उसका डिटेल्स लिंक्स दे दूंगा मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से ये डिटेल्स हैं, ठीक है। लिनक्स कमांड्स, यूनिक्स कमांड्स, अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी यूनिक्स की बात की थी, फिर से मैं बात कर रहा हूँ लिनक्स और यूनिक्स कमांड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और HDFS में तो अलग से है HDFS कमांड्स, ठीक है, इसमें अलग से और भी HDFS कमांड्स हैं, बट वेरी सिमिलर, ठीक है, वेरी सिमिलर टू वॉट एवर, क्या कहते हैं आप, यूनिक्स लिनक्स में सीखेंगे, बहुत सिमिलर, आप वो सीख लेंगे तो HDFS कमांड्स भी बहुत सीख लेंगे, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, 2-4 कमांड्स ही 2-4 ऊपर नीचे करने होते हैं, आगे पीछे कुछ लगाना होता है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाइव, ठीक है, HDFS कमांड सीखने हैं, बहुत सिंपल है, सीख जाओगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट पहले लिनक्स सीखना उसके बाद HDFS सीखना, नहीं तो फिर पूरा ही चोपा चोपा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप हाइव सीखने लगते हो ना, हाइव में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो सीखना है, एग्रीगेट फंक्शन, जैसे SQL में होते हैं ना, सिमिलर टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हाइव में भी, तो वो भी सीखना जरूरी है, जॉइंट्स भी सीखना जरूरी है, थोड़ा डिफरेंस होता है। SQL अगर आपको आता है तो हाइव सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट आपको सीखना जरूर है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हाइव में आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो, मीन्स जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, तो ये एक चीज़ नया चीज़ है जिसमें हाइव में आपको हो, तो ये सब चीज आप सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है स्कूप, स्कूप
स्कूप ना बहुत पुराना है बट वैसे आजकल चल नहीं रहा है, किसी किसी बहुत लेगेसी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्कूप होगा। तो स्कूप जॉब्स क्या होता है, हाउ टू रन अ स्कूप जॉब, ठीक है, जैसे नॉर्मल ईटीएल जॉब्स होते हैं तो स्कूप जॉब्स भी होते हैं, तो उसको कैसे रन करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद टेस्टिंग करोगे ना, पहले जॉब रन करोगे तभी तो डेटा लोड होगा, फिर तो टेस्टिंग करोगे। तो स्कूप जॉब्स होता क्या है उसको भी आप सीख सकते हो एंड उसको कर सकते हो। फिर पिग ग्रुप, ग्रुपिंग एंड ज्वाइनिंग बिल्ट इन फंक्शन, जैसे आपका हाइव में था सेम पिग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ग्रुपिंग ज्वाइनिंग होता है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं नो, एंड इसी पिग के साथ ही कई चीज़ होते हैं, कुछ मोड्स होते हैं, क्या क्या मोड्स हैं, किस मोड पर रन होता है, ये सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत हैं बट आपको मतलब आने से अच्छी बात है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अभी तक मेरे को कभी बिग डेटा टेस्टिंग में पूछा नहीं गया है, बट हाँ पता है तो इट्स गुड। इसके डिटेल भी दे दूंगा कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बस पढ़नी है सीखनी, कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है बिग डेटा टेस्टिंग, बिग डेटा टेस्टिंग स्टेजिंग, स्टेजिंग वैलिडेशन हो सकता है, मैप रिड्यूस का वैलिडेशन हो सकता है, टारगेट डेटा वैलिडेशन, जैसे आपका ईटीएल में होता है, क्या कहता है, सोर्स होता है, स्टेजिंग होता है, टारगेट होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे मैप रिड्यूस कैसा काम कर रहा है वो उसका वैलिडेशन भी हो सकता है, कि बीच में इंटरिम फाइल्स बन रहे हैं वो भी हो सकता है, फिर टारगेट हो सकता है, फिर स्टेजिंग लेयर का डेटा वैलिडेशन हो सकता है, इंटरिम लेयर्स का डेटा वैलिडेशन हो सकता है, तो ऐसे सारे बहुत सारे डिफरेंट तरह के वैलिडेशन हो सकते हैं। मोस्टली इसका डेटा वैलिडेशन ही रहेगा, बिग डेटा टेस्टिंग इज नथिंग बट द डेटा वैलिडेशन, बट उसमें थोड़ा टेक्निक चेंज हो जाते हैं, टूल्स चेंज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाते हैं, एंड सिंस हडूप में काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में काम कर रहा है, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती है, इट्स नॉट सिमिलर टू ETL, ठीक है, बट आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं। फिर जो कौन कौन से बिग डेटा में टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन सा इन्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, इसके आगे मैं क्लाउड में भी बात करूंगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और इसमें से कुछ भी टॉपिक में आपको चाहिए वीडियोस तो प्लीज़ हैशटैग लिख करके वो लिख लेना, पहले हैशटैग लिख के बिग डेटा लिखना, फिर उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देना, ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे। और मिनिमम एक्सपेक्टेशन है गाइस 50 लाइक्स चाहिए ही चाहिए, 50 लाइक्स, 50 लाख मत समझ लेना, 50 लाख का ऐसे जॉब चाहिए तो मेरा पॉडकास्ट जरूर लिख देना, ठीक है, 50 लाख कैसे मैंने 50 लाख का जॉब टेस्टिंग में अचीव किया है, मेरा पॉडकास्ट है इसी चैनल में ही है, आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, 50 लाख का कैसे मैंने जॉब लिया, बट वैसे अभी 50 लाइक्स चाहिए गाइस, 50 लाइक्स वीडियोस में आएंगे तो मैं ETL ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, ETL ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और कोई भी टॉपिक का डाउट हो तो बिग डेटा में कोई भी डाउट हो, बिग डेटा लिख करके टॉपिक का नाम लिख देना, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मिनिमम 5 कमेंट होंगे तो वीडियो जल्दी आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ क्लाउड पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस, जैसे हम ऑलरेडी डेटा वेयरहाउस, ETL इन सब के बारे में सीख चुके हैं, इनके कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो सब सीखने हैं, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लोग के दिमाग में रहता है कि यार क्लाउड है ना, क्लाउड टेस्टिंग में कैसे घुसे, ठीक है, ETL घुस गए, बिग डेटा में घुस गए, बिग डेटा के बाद क्लाउड में कैसे घुसे और उसको सीखे कैसे, अगर उसमें हम बनना भी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्लाउड टेस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सीखना है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका भी रोड मैप मैं दे दूंगा, ठीक है, डिटेल में आप देखना क्या क्या हम कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन, ये मैंने गूगल से उठाया है तो मेरा कुछ बनाया नहीं ये सब, ठीक है, मैंने गूगल से उठाया, जैसे अजर, AWS एंड GCP, ठीक है, इसमें बेसिकली तीनों बहुत बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो क्लाउड लीडर्स हैं ना अजर, AWS, GCP, अभी मार्केट में ये तीन ही लीडर हैं क्लाउड के, ठीक है, इनमें बहुत सारे सर्विसेज हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सर्विसेज तो AWS के हैं, फिर अजर के, फिर GCP के, ठीक है, तो सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड सर्विस जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा, ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, बट मोस्टली क्या रहता है ना, क्या कहते हैं, देखो कंप्यूटेशन करने के लिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं, यहाँ पे EC2 होता है, यहाँ पे कंप्यूटर इंजन है, ठीक है, तो सिमिलरली आप कुछ भी चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ पे CDN है ना, तो यहाँ पे अजोर का हो सकता है, अमेजोन का, सेम चीज़ होंगे, बस नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी जो मैंने खुद काम किया हो वो दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, अजोर का ये है, AWS का ये है, ठीक है, तो ये जो है आप एज अ टेस्टर, एज अ डेटा वेयरहाउस टेस्टर आप ये चीज़ में यूज़ करोगे, ठीक है, EC3 ये देखो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, यहाँ पे ये देखो यहाँ फाइल स्टोरेज होंगे ना, यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज आ गया, यहाँ पे S3 आ गया, यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज आ गया GCP का, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ में आप काम करोगे ही करोगे, ठीक है, एज अ टेस्टर,
ठीक है। इनमें से बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा, इसमें भी और बहुत काम करोगे। तो बेसिकली तीनों क्लाउड में सर्विसेज हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। काम वही हो रहा है बट नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो अलग, जैसे आप Azure में जाना चाहते हो तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्लाउड टेस्टर बनना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करूँगा, तीनों का है मतलब गूगल क्लाउड का शायद नहीं करूँगा, बता दूंगा, क्योंकि गूगल क्लाउड में मैंने बहुत बहुत कम काम किया, मैंने फ्यू मंथ्स ही काम किए हैं। बट मैं सोच रहा हूँ गूगल क्लाउड का मैं खुद ही प्रोजेक्ट बनाऊँ, बट हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले AWS कवर करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट लीडर AWS ही है, फिर उसके बाद Azure में जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए AWS, तो यहाँ पे देख सकते हो आप AWS में डेटाबेस सर्विसेज है ना, यहाँ पे आप जूम करके देख लेना, जो डॉक्यूमेंट दूंगा मैं डॉक्यूमेंट में अच्छे से देख लेना, यहाँ पे अगर नई क्लैरिटी से दिख रहा है तो यहाँ पे AWS के डेटा सर्विसेज ही इतने सारे हैं, ठीक है। ग्लू है, Amazon QuickSight है, QuickSight ये BI के लिए यूज होता है, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सीखना है AWS ग्लू जॉब्स क्या होता है, कैसे रन करें, वहाँ लॉग्स कैसे देखें, कैसे डीबग करें, कैसे मॉनिटर करें। तो जॉब रन किया, आपने मॉनिटर करना है ना, देखना है कि जॉब रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने डेटा पे कितना टाइम लग रहा है। कभी कभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ सकती है जॉब रन की, तो वो परफॉर्मेंस देखना, उसमें लॉग्स देखना, डीबग करना, जॉब रन करना, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे आप क्लाउड इंजीनियर नहीं बनने वाले हो, आप क्लाउड टेस्टर बनने वाले हो। तो क्लाउड इंजीनियर आप AWS मत सीखने लग जाना, AWS डेटा इंजीनियर सब मत सीखने लग जाना, क्योंकि वहाँ पे फिर कोडिंग लगेगी, बहुत सारी चीज़ लगेगी। आप टेस्टर जैसे अप्रोच कर रहे हो तो रोड मैप अगर देख रहे हो टेस्टर का, तो मैं बोल रहा हूँ AWS के जो ग्लू जॉब्स है, कैसे रन करने चाहिए, कैसे लॉग्स देखना है, कैसे डीबग करना है, कैसे मॉनिटर जॉब्स करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्लू जॉब्स, ये जैसे कि जैसे आप ETL जॉब रन करोगे ना, सिमिलर टाइप का ही है ग्लू जॉब्स, ठीक है। बट आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे क्या ऑप्शन है, कहाँ पे क्या चीज़ है, वो पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद AWS S3 क्या है, फाइल सिस्टम है, यहाँ पे चाहे वो ETL हो या ELT हो। ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ELT क्या होता है, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफर। तो ज़्यादातर बिग डेटा में आजकल क्या कर रहे हैं, बिग डेटा में क्या होता है, ELT फॉलो होता है। तो पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर लोड कर दिया जाता है, पहले कहाँ हमने कहीं सोर से लिया और S3 में लोड कर दिया पहले, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अभी AWS के अंदर आ चुका है ना, अब उसके बाद अभी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है लगाओ और फिर कहीं भी स्टोर कर दो। तो इसीलिए S3 कैसा होता है, क्या होता है, उसके नेमिंग कन्वेंशन कैसे फॉलो किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो ये सब चीज़ें डिटेल में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तब आप इजीली AWS के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड AWS डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस स्टेजिंग लेयर हो सकता है, डेटा वेयरहाउस लेयर हो सकता है, या फिर बिग डेटा टेक्नोलॉजी है तो टारगेट लेयर, कुछ भी लेयर हो सकता है, या फिर आप BI के लिए डेटा स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे AWS में डेटाबेसेस हैं, तो Redshift हो सकता है, RDS हो सकता है, AWS का SQL सर्वर हो सकता है, DynamoDB हो सकता है, OracleDB हो सकता है, MySQL DB हो सकता है, ये सब ऑलरेडी AWS से कनेक्टेड हैं। तो मैंने काम किया Redshift में, काम किया मैंने AWS RDS में, काम किया ये दोनों में, क्या मैंने काम किया है AWS का, ठीक है। S3 में मैंने काम किया है, ग्लू जॉब्स मैंने रन किए हैं, बहुत डिटेल में ग्लू जॉब तो एक्सेस इतना मिलते नहीं है, बट बहुत डिटेल में मेरे को ग्लू जॉब्स के बारे में पता नहीं है, बट आप चाहेंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं AWS का खुद ग्लू जॉब बना के S3 डेटाबेस सब बना करके एक प्रोजेक्ट बना सकता हूं, प्रोजेक्ट बना के आपको दे सकता हूं। अगर आपको AWS के ऊपर पूरा एक अच्छे से डिटेल वीडियो चाहिए एज अ टेस्टर, तो #AWS लिखना, ठीक है, #AWS लिखना, ठीक है, #AWS लिखना। एंड #में BI भी होता है, ठीक है, BI टेस्टिंग भी होता है, QuickSight, AWS QuickSight होता है, जहाँ पे कैसे काम करता है AWS का BI, QuickSight कैसे काम करता है, उस पर टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, आपने BI टेस्टिंग किया होगा बट ये थोड़ा AWS का QuickSight में कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं ये भी थोड़ा सीख लेना, ठीक है। मैंने खुद पर्सनली तो QuickSight में काम नहीं किया, अगर आप इंसिस्ट करोगे तो वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये AWS का पूरा प्रोजेक्ट, AWS का ग्लू, AWS Redshift, AWS S3, AWS RDS, इन सब का एक निचोड़ में वीडियो चाहिए, तो #AWS टाइप कर देना, मैं पूरा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बनाऊंगा। गाइस ऑब्वियसली आप अगर बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं बना तो दूंगा, बट AWS का एक्सेस चाहिए, तो इसीलिए मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना सकता हूं। तो AWS अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे तो इसका AWS का रहेगा कि 50 कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का, मिनिमम 50 कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। वीडियो पे अगर 100 लाइक्स कर देते हो एंड AWS 50 कमेंट्स करते हो तो फिर मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं AWS का प्रोजेक्ट बना के टेस्टिंग कैसे करना है, टेस्ट केस कैसे लिखना है, पूरा
एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना के उस पर टेस्टिंग कैसे करना, टेस्ट केसेस कैसे लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, वो सब चीज़ें पूरा बनाऊंगा। बट मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के लिए क्या, 100 लाइक्स एंड 50 AWS हैशटैग्स, ठीक है। एंड कुछ लिख भी देना आपको क्या टेक्नोलॉजी, इनमें से क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, हैशटैग AWS लिख करके वो टेक्नोलॉजी के नाम लिख लेना, ठीक है। तो अगर 50 AWS हैशटैग AWS में 50 कमेंट्स आते हैं और वीडियो का 100 लाइक जाता है तो मैं कोशिश करूंगा, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा AWS का, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अजर, आपने देख ही लिए होंगे आइकॉन्स तो अजर, ठीक है। मैंने पर्सनली 3 प्रोजेक्ट अजर के मैंने काम किया पर्सनली, ठीक है। अजर का मैंने खुद एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाया है एंड 2 टेस्टिंग किए, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 होगा यार, 3 अजर सिनेप्स में भी मैंने काम किया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, बट वो अजर का ही पार्ट है। तो अजर इस माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ, अजर माइक्रोसॉफ्ट का है और इसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े ही लोगोस डाले हैं बट अंड यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी बहुत थोड़े थोड़े ही चीज़ें बोले हैं, बट आप चाहें तो और भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अजर सबसे इंपॉर्टेंट है, अजर डेटा फैक्ट्री, इट इज़ अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जैसे एयरफ्लो होता है, ETL टूल समझ लो, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप ऐसे लाइन बनते हैं ना, तो उसी तरह अजर डेटा फैक्ट्री है। उसमें जॉब कैसे रन करते हैं, लॉग्स कैसे देखते हैं, डीबग कैसे करते हैं, जॉब मॉनिटर कैसे करते हैं, वापस रीरन कैसे करते हैं, फेल हो गया तो लॉग्स कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें आपको अजर डेटा फैक्ट्री में सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली AWS ग्लू जॉब्स था तो यहाँ पे अजर डेटा फैक्ट्री है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने अजर डेटा फैक्ट्री में बहुत काम किया अच्छे से, ठीक है। अजर ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉब स्टोरेज अगेन जैसे S3 था, सिमिलर टू S3 ये ब्लॉब स्टोरेज होता है, ठीक है। S3 सेम जैसे AWS का S3 है, सेम अजर का ब्लॉब स्टोरेज होता है, ये भी फाइल सिस्टम है। यहाँ पे कैसे, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि जो फाइल्स हो रही हैं कैसे स्टोर हो रही हैं, जो स्टोर हो रही हैं फाइल्स उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा है, और उस फाइल जब प्रोसेस हो जाती है उसको क्या करते हैं, आर्काइव करते हैं, पर्ज करते हैं, डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, कितने टाइम तक रखते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप एक ETL प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, बट आप नहीं काम करते तो आपको आप एक प्रोजेक्ट बनाना है या फिर एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए जिसमें से आपको एक्सपीरियंस मिल सके, एंड दैट इज़ वॉट यू कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। जब इंटरव्यूअर के सामने ये सब बोलेंगे तो ये सब आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर अजर डेटा डेटाबेस, तो ETL ELT कुछ भी हो, स्टेजिंग लेयर हो, कुछ भी हो, सब अजर डेटाबेस, सेम अजर डेटाबेस में भी अजर SQL भी है और MS SQL सर्वर भी है, MS SQL सर्वर, ठीक है। तो MS SQL सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, अजर डेटाबेस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड इसमें भी कई तरह के डेटाबेसेस होंगे, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बहुत होंगे बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम से कम कुछ तो होंगे, ठीक है। पोस्टग्रेस तो होगा ही, MS SQL सर्वर तो होगा ही, ठीक है। एंड पावर बी आई जैसे BI टेस्टिंग करते हो तो Power BI ही अजर से कनेक्टेड है, तो उसी हिसाब से Power BI, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इंटीग्रेशन अगर आप होता है ना तो इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट थिंग्स। तो एक ETL प्रोजेक्ट पूरा बनाना, सोर्स, टारगेट, मैपिंग, BI, पूरा एक ही चीज़ में आ जाता है, एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है, तो इट इज़ बिकम्स ईजियर। तो कोई कंपनी अगर काम करती है तो पूरा अजर में ही काम करती है, बट कोई कोई कंपनी होती है थोड़ा अलग अलग रखती हैं, क्योंकि मैंने भी जब अजर में काम किया था तो ये लोग स्नोफ्लेक से भी कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड सोर्स जो होता वो Oracle था, DB2 था, फिर Postgres था, एंड MS SQL सर्वर जो कि ऑन प्रमाइस में है वहाँ से भी कनेक्ट किए थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अजर अगर आपको चाहिए कि मैं अजर का एक प्रोजेक्ट बनाऊँ और उसमें टेस्टिंग करके दिखाऊँ, उसमें टेस्टिंग कैसे होगा उसका एक पूरा डिटेल बनाऊँ, तो #Azure लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। #Azure लिखना पड़ेगा। अगेन सिंस क्लाउड है तो मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वीडियो पे 100 लाइक्स आने चाहिए एंड कम से कम Azure मिनिमम 50 कमेंट्स होने चाहिए Azure के। अगर 50 कमेंट्स होंगे तो मैं Azure, अगर पहले Azure 50 कमेंट्स आते हैं तो मैं पहले Azure का बनाऊंगा, अगर पहले AWS का आता है तो फिर मैं AWS का पहले बनाऊंगा। जो कमेंट्स 50 मेन, सबसे पहले जो 50 कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक पे बनेगा, ठीक है। क्लाउड टेक्नोलॉजी में 50 रखा है, बाकी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चाहे वो डिफेक्ट लाइफ साइकिल हो या अजाइल मॉडल हो, इन सब पे बस 5 टारगेट रखा है, बट क्लाउड के लिए मैंने 50 कमेंट्स का टारगेट रखा है। गाइस आप मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, आप लोग मेरे को बिल्कुल
बिल्कुल भी मेरे को अनहैप्पी नहीं करोगे, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोग मेरे को कुछ देखना चाहते हो इसीलिए। बट आपको जो भी टॉपिक चाहिए भाई, कम से कम दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए आप कमेंट जरूर करना, जो भी टॉपिक आपको सही लगा, जो भी क्वेश्चंस है पक्का कमेंट करना, मैं आपका कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ गाइस। एंड मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है क्योंकि अभी तक यूट्यूब से कोई मेरे को मोनेटाइजेशन नहीं आया, तो इसीलिए आपका कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हैं अजर में, एंड देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या? नहीं, मैंने GCP का लिखा नहीं है, बट आपको जब ये डॉक्यूमेंट दूंगा तो GCP का भी मैं मेंशन कर दूंगा मैंने, क्योंकि GCP में बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है। बट ओवरऑल यही रहता है, यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज की जगह क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SQL की जगह BigQuery यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने BigQuery एंड क्लाउड स्टोरेज इन दोनों पे काम किया है, BigQuery एंड क्लाउड स्टोरेज, तो इसीलिए ये दोनों फाइल सिस्टम एंड SQL जो है इसके ये दोनों तो मेरे को पता है। और भी जो भी हैं, कम से कम डेटा फैक्ट्री जैसे, पावर बीआई जैसे, ये सब भी मैं मेंशन कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट पे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, इस डॉक्यूमेंट में कैसे लूँ, और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के जो नोट्स हैं जिसको मैंने फुल पिक्चर फॉर्म में अच्छे से डिटेल में जो लिखा है, उसको कैसे लूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को अवेल कर सकते हो अभी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो आपने यार रोड मैप का जो पूरा डॉक्यूमेंट देख चुके होंगे, रोड मैप का पूरा डिटेल्स आपने देख लिया होगा जो डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को आप कैसे अवेल करोगे, इस डॉक्यूमेंट को कैसे ले सकते हो, तो उसके बारे में बताता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है ऑलमोस्ट फ्री है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें जो आपने देखी, और जो डॉक्यूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया ना, मैं शेयर करके जो बना रहा था वो डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने रिसोर्सेज दे रखे हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कुछ आर्टिकल्स दे रखा है, जो वीडियोस आप रेफर करना चाहते हो वो वीडियोस दे रखा है, अगर लंबे वीडियोस हैं उस वीडियो में कितना पार्ट देखना है वो भी मैंने आपको मेंशन कर रखा है। इतना डिटेल में मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, उस डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। एंड जो नोट्स है डिटेल में, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को भी आप कैसे देख सकते हो, नोट्स को कैसे ले सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, दोनों चीज इसी अभी वीडियो में बताता हूँ मैं। तो सिंपल आप जाओगे, टेकी कृष्णा कायाकिंग टाइप कर लोगे गूगल में, या फिर आप मेरे वेबसाइट में, यहाँ पे टेकी कृष्णा कायाकिंग.com मेरे वेबसाइट में चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे कोर्सेस सेक्शन में, कोर्सेस में जा करके सिंपल है। ठीक है, जैसे कोर्सेस लोड होगा, लोड किया, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये है माई नोट्स, ईटेल टेस्टिंग नोट्स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो रोड मैप है ये देखिए, ये रोड मैप है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए माई नोट्स है एंड यहाँ पे रोड मैप है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों, ठीक है सिंपल है। ये देखिए ये जो रोड मैप का जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरा यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, ये है रोड मैप का डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड जो मेरे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैं बताता हूँ अभी। जो रोड मैप का डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे थे वो डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में मेंशन भी कर रखा है, क्या क्या मेंशन कर रखा है, कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन से वीडियोस हैं, यूट्यूब के वीडियोस ही दूंगा या फिर कोई भी फ्री वीडियोस होंगे वो वीडियोस होंगे, आर्टिकल्स कहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ चीट शीट होंगे वो भी दूंगा मैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप क्या कहते हैं, मेरे खुद का जो भी डिटेल में मैंने बना रखा है ये सब चीज़ मैं रोड मैप में मेंशन कर दूंगा, पूरे रिसोर्सेस फ्री में रिसोर्सेस है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे सिंपल जा सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे सिंपल रोड मैप, इसमें क्लिक करोगे गेट दिस कोर्स, सी यहाँ देखो 50% ऑलरेडी ऑफ है, यहाँ लगा दिया 50% डन, ₹5 का हो गया यार, ₹9 का जो था डॉक्यूमेंट ₹5 का हो गया। ठीक है, सिंपल बहुत, इसमें डॉक्यूमेंट मैंने डाल रखा है गेट दिस कोर्स कर दोगे। ठीक है, जैसे गेट दिस कोर्स करोगे यहाँ पे आपके डिटेल डालोगे और ₹5 UPI या फिर कार्ड कहीं से भी पे कर सकते हो ₹5। ठीक है, इट्स ओनली ₹5 गाइस। ठीक है, बस ₹5 आप पे करोगे एंड ये कूपन कोड लगा दोगे, वैसे ₹9 का है, कूपन कोड लगा दोगे, PDF डॉक्यूमेंट है, वीडियोस इसमें कुछ नहीं रहेंगे, जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये वीडियो रहेगा, एंड जो PDF डॉक्यूमेंट है ये वीडियो PDF डॉक्यूमेंट है उसमें रिसोर्सेस पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है, तो ये कूपन कोड लगा दोगे तो ₹5 का हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं फ्री में भी दे सकता था बट अभी तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ₹5 तो अप्रिशिएट कर सकते हो यार। आप पेट्रोल भरने जाते हो वहाँ पे, जब गैस डलाते हो बाइक में या एयर डलाते हो वहाँ पे भी ₹5 दे देते हो, कोई भिखारी होता है उसको भी ₹5 दे देते हो यार, इतना अपने भाई को अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम ₹5 तो दे ही सकते हो ना। और ये जो
5 रुपीस ये जो कूपन कोड है ये पहले 100 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आप पहले 100 लोग के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद जो खरीदेगा उसके लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कूपन कोड एक्सपायर कर जाएगा, बस फर्स्ट 100 लोग के लिए है, ठीक है। जो भी फर्स्ट 100 आते हैं बाई करेंगे उनके लिए 5 रुपीज़ होगा, बाकी लोग के लिए 9 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर आपको बहुत डिटेल में सी चीज़ें पता चल जाएगी। इट विल बिकम वेरी इजी, मतलब इतना इजी स्पून फीडिंग ही लग रहा है मेरे को, तो इतना इजी सब कुछ बना के दे दिया मैंने, खाली आपको चीज़ें इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करनी है, बाकी पढ़ने के थ्योरेटिकल चीज़ें इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ तो मैंने मेंशन कर दिया है उसमें, तो आप सीख लोगे। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बताने वाला था ये है मेरा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मेरे माई नोट्स, दिस इज माई नोट्स, दिस इज ओनली 50 रुपीज़, दिस इज 60 रुपीज़ ओनली, ठीक है। यहाँ पे भी आप लगा दोगे कूपन कोड तो यहाँ पे भी 30 रुपीज़ हो गया, 30 रुपीज़ का बस बन गया ये, तो वैसे ये 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अभी पहले 100 लोगों के लिए, ये पहले 100 लोगों के लिए कितना है, 60 रुपीज़ है, उसमें भी कूपन कोड लगा दोगे 30 रुपीज़, तो पहले 100 लोगों के लिए बेसिकली 30 रुपीज़ है, उसके बाद नेक्स्ट 100 लोगों के लिए 60 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब 200 लोग आराम से 60 रुपीज़ के अंदर, फिर बाकी लोगों के लिए 108 रुपीज़ हो जाएगा ये, ठीक है। जो जल्दी जल्दी ये नोट्स खरीद लो, ये नोट्स कैसा होगा, चलो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, ये नोट्स कैसा होगा, नोट्स में क्या क्या मेंशन किए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो नोट्स है इसमें टेबल, ये देखो बेसिक से बेसिक टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब पूरा चीज़ मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है। देखो पूरा ऐसे डायग्राम बना रखा है, पूरा डायग्राम बना करके मेंशन कर रखा है, देखो ऑलमोस्ट 50+ पेजेस का डॉक्यूमेंट है ये, ऑलमोस्ट 55 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, पूरा ऐसे बना रखा है हर चीज़, पूरा प्रोजेक्ट एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रखे हैं, और क्या कहते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं ना, ये देखो डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ये सब बहुत सारे देखो एग्जांपल दे रखे हैं, टेस्ट केस टेम्पलेट का एग्जांपल दे रखा है, फिर मॉडल स्क्रम मॉडल स्क्रम फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें पूरा डायग्राम के साथ बना करके लिख करके देखो, इतनी सारी फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल इनका एग्जांपल दे रखा है, प्रोजेक्ट एग्जांपल दे रखा है, इतनी सारी चीज़ें मैंने पूरा ऑलमोस्ट 55 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। एंड जो भी एडिशनल चीज़ें मेरे पास आएंगी वो सब चीज़ें भी ऐड करते जाऊंगा, ऑलमोस्ट 100 पेजेस की हो जाएंगी, 50+ पेजेस की डॉक्यूमेंट है, आप सिंपल से अवेल कर सकते हो यहाँ बस 30 रुपीज़ में। यार इतना मेहनत किया हुआ डॉक्यूमेंट जहाँ से मुझे खुद ऑलमोस्ट क्या मुझे 50 लाख का जो ऑफर मिला वो बस ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मिला, और भी कुछ नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पाइथन सीखा ही नहीं था जब मेरे को 50 लाख का ऑफर मिला, ठीक है। आप वो पॉडकास्ट देख लेना, वहाँ से मेरे को फायर भी हुआ था, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा पॉडकास्ट, ठीक है, वो देख लेना। बस 30 रुपीज़ में गाइस ये कूपन कोड लगा देते हो, 30 रुपीज़ में आपको आराम से वो ऐप में भी ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और वेबसाइट में भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप PDF फाइल जो है उसको व्यू करके देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट करो, कम से कम इतना मेहनत कर रहा आपका भाई, तो इस चीज़ में सपोर्ट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे जो भी वीडियोस डिटेल में चाहिए तो वो भी बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनी एंडेवर दैट यू डू इन फ्यूचर, ठीक है। मिलते हैं गाइज, जो भी डाउट्स है कॉमेंट्स में जरूर बताना, प्लीज़ वीडियो का लाइक जरूर कर लेना, एंड 80% लोग मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, इतना अच्छा कॉन्टेंट देख रहे हो तो कम से कम भाई को सब्सक्राइब कर लो भाई, तो कम से कम मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है। चलो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अरे भैया के बताए हुए इस वीडियो से तो मैं भी इंस्पायर हो चुका हूँ, तुम भी जरा लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इतना मस्त वीडियो बनाया भैया ने और मुझे तो इंस्पायर ही कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होती भी है। चलो मेरे को तो मजा आ गया, आप भी मजे लो।